वेलकम बैक टू माय चैनल सीमाज फूड स्टेशन। आज हम बनाने जा रहे हैं कैल्शियम आयरन और प्रोटीन से भरपूर नाश्ता, जिसे बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे। तो चलिए इस हेल्दी नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ लेंगे 250 ग्राम पालक। पालक के पत्ते यूज़ करेंगे, डंठल हम साइड में कर देंगे। और इसे हमने धो के अच्छे से बारीक काट लिया है, आप अपने आवश्यकता अनुसार इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर। तो एक बड़े साइज के गाजर को हम इस तरह से कद्दूकस करके पालक में ऐड कर देंगे। और इसी के साथ अब ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो यहाँ पर एक बड़े साइज के टमाटर को हम इस तरह से बारीक काट के इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में ऐड करेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज। तो बड़े साइज के दो प्याज को हमने बारीक काट लिया है, उसे इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने पसंद की जो भी सब्जियां हैं उसे इसमें ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च, कॉर्न, जो भी आपको पसंद है उसे ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच क्रश किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च। आप इसे बारीक काट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं या इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच काला नमक। और नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करें 1/2 चम्मच चाट मसाला। आप इसमें आप आमचून पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में हम ऐड कर रहे हैं 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, लेकिन नमक आप ध्यान से ऐड करें क्योंकि हमने काला नमक भी इसमें ऐड किया है। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। आप चाहें तो गरम मसाला की जगह पाव भाजी मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही ऐड कर देंगे हम 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और साथ में ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, तीखा अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ अब इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। और अब हम बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे बेसन। यहाँ मैं 100 ग्राम बेसन ऐड कर रही हूँ, लेकिन एक साथ हम पूरा ऐड नहीं करेंगे। पहले मैं 2 चम्मच ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद से हम बाकी का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं या फिर नॉर्मल आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम ग्लूटेन फ्री बना रहे हैं तो केवल बेसन का यूज़ कर रहे हैं। और अब इसमें बाकी के बेसन को ऐड करके हाथ से अच्छे से मिलाएंगे। अभी हम पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे, पहले अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम अच्छे से मिलाएंगे, तो इस तरह से हाथ से हम अच्छे से मिला लेंगे बिना पानी यूज़ किए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से तैयार हो चुका है, बिल्कुल जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं उस तरह का डो तैयार हो चुका है। तो अब इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर हम पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करके पहले मिला लेंगे इस तरह से, क्योंकि अभी बहुत गाढ़ा है। तो इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, लेकिन ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर दे रहे हैं और फिर से इसे अच्छे से मिला लेंगे। पानी ऐड करने के बाद इस तरह से हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा भी नहीं बनाना है और बहुत पतला भी नहीं बनाना है, बिल्कुल इस तरह से बनाना है। तो इसे बनाने में हमें 4 से 5 चम्मच केवल पानी लगा है। आप देख सकते हैं 1 कप हम पानी लिए थे, केवल आधा पानी यूज़ किए हैं। और अब इसे हम ढक के रेस्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि ये सारी सब्जियाँ काफ़ी जूसी होती है। और जब हम इसे 15 मिनट ढक के रेस्ट के लिए रखेंगे उस समय ये बैटर और पतला हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, बैटर को आप पहले से पतला नहीं बनाइएगा। जब तक ये रेस्ट के लिए रखते हैं तब तक चलिए हम रायता बना ले रहे हैं। रायता बनाने के लिए हम यहाँ 100 ग्राम दही का यूज़ कर रहे हैं, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड करके इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहें तो इसे विस्पर से भी मिला सकते हैं। जब इस दही का टेक्सचर कुछ इस तरह से बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा तब इसमें ऐड कर देंगे क्रश किया हुआ अदरक और हरी मिर्च। और साथ ही ऐड करेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हम खीरा। तो एक बड़े साइज़ के खीरा को हम कद्दूकस कर लिए हैं इसके छिलका के साथ। आप चाहें तो इसका छिलका हटा के इसमें कद्दूकस करें। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से दही में मिला देंगे इस तरह से, और अच्छे से मिलाने के बाद और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हम काला नमक,
नमक हम ध्यान से ऐड करेंगे, चूँकि हम पहले भी दही में नमक ऐड कर लिए हैं, और साथ में आधी छोटी चम्मच जीरा, लेकिन भुना हुआ जीरा ऐड कर रहे हैं, साथ में आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से दही और खीरे के रायता में मिला लेंगे इस तरह से। इसमें से जो भी चीज़ें आपको पसंद नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह अच्छे से सारी चीज़ों को मिलाने के बाद लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम धनिया पत्ती। तो यहाँ मैं केवल धनिया की पत्ती यूज़ कर रही हूँ, डंठल नहीं। इसे भी हम अच्छे से रायते में मिला लेंगे, और अब इसे हम फ्रीज में रखते हैं आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि रायता ठंडा ही अच्छा लगता है। तो इसे चलिए हम फ्रीज में रखते हैं। रायते को फ्रीज में रखने के बाद ढक्कन हटा के एक बार बैटर को हम चेक कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बैटर तैयार हुआ है, नहीं ज़्यादा पतला है और नहीं ज़्यादा बहुत थिक है, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अगर आपका बैटर ज़्यादा पतला हो गया है तो उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दें, और ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है तो थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करके उसे पतला कर लें। तो चलिए अब इसके पराठे बनाते हैं। तो इस तरह से हम तवा लेंगे, और तवा को हम मीडियम गर्म करेंगे। तवा जब गर्म हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच तेल या घी, और तेल या घी को किसी भी नैपकिन, कपड़े या कॉटन से चारों तरफ तवा में हम इस तरह से मिला देंगे। गैस के फ्लेम को इस स्टेज में लो कर देंगे, और ये बहुत कम तेल में ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। तो अब इसके बीच में इस तरह से हम बैटर रखेंगे, आपको जितना बड़ा बनाना है उस अनुसार इसमें बैटर रखें, और इसे इस तरह से चारों तरफ फैला दें। इसे हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, क्योंकि पराठे बना रहे हैं इसलिए हम इसे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। और अब इसके किनारे पर इस तरह से हम आधा चम्मच घी या तेल ऐड कर देंगे, ताकि इसके किनारे अच्छे से क्रिस्पी बने और इसके ऊपर अच्छे से पक जाए। इसलिए हम ढक के 30 सेकंड के लिए पकाएंगे, गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। 30 सेकंड बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे, और आप देख सकते हैं ऊपर में अच्छे से पराठे पक चुके हैं। तो हम इसे इस तरह से पलट लेंगे, बहुत देखिए नीचे से कितना बढ़िया कलर आया हुआ है, बहुत आसानी से आप इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया हुआ है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, और इसे फिर से हम ढक के 30 सेकंड के लिए पकाएंगे, क्योंकि ये अच्छे से पक जाए। 30 सेकंड बाद फिर से हम ढक्कन हटाएंगे, और इसे हम पलट लेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं दूसरे साइड से भी कितने अच्छे से पक चुका है। तो इसी तरह हम दोनों साइड से अच्छे से पलटते हुए पका लेंगे, और पकाने के बाद दोनों साइड हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम दबाते हुए दोनों साइड से पका लेंगे, और अब इसे हम बाहर निकाल ले रहे हैं। इसी तरह हम बाकी के भी पराठे बना लेंगे। यहाँ पर तेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जिस नैपकिन से हमने पहले तेल को चारों तरफ फैलाया था उसी नैपकिन से फिर से हम इस तरह से फैला लेंगे, क्योंकि नैपकिन में तेल लगा हुआ था, उतना ही तेल की ज़रूरत हमें है। तो इस तरह तवा पर चारों तरफ अच्छे से फैलाने के बाद फिर से हम बैटर को बीच में डालेंगे, और उसे इस तरह से फैला लेंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बनाइए। सुबह के भाग दौड़ में इससे बढ़िया कोई नाश्ता बन ही नहीं सकता है, और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। इसके किनारे में हम इस तरह से फिर से आधा चम्मच घी या तेल ऐड करेंगे, और फिर से ढक के इसे 30 सेकंड के लिए रखेंगे, ताकि अच्छे से ये पक जाए। 30 सेकंड बाद इसका ढक्कन हटाएंगे हम, और ढक्कन हटाने के बाद दोनों साइड से पलटते हुए अच्छे से पका लेंगे। इसे पलटने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, आसानी से आप इसे पलट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कम तेल में ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है, और दूसरे साइड से भी अच्छे से हम इस तरह से पका लेंगे। और दोनों साइड अच्छे से पकाने के बाद इसे बाहर निकाल लेंगे। तो आपको जितने भी पराठे बनाने हैं इस तरह से बना के तैयार कर लीजिए। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो लीजिए, तैयार है सुपर हेल्दी, साथ में कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन से भरपूर ये नाश्ता। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनता है।